में होने वाली सभी परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया कराने का मैं प्रण लेता हूं। ये स्टेटमेंट दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री का था, जब शिक्षा मंत्री जी ने यहां पर शपथ ग्रहण की थी उसके बाद ही तमाम प्रकार के बयान आए थे कि जितनी भी देश में परीक्षाएं होंगी हम उसको सुचारू रूप से एवं सही तरीके से संपन्न कराने का दोस्तों यहां पर प्रण लेते हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट परीक्षा 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराई गई। सीटेट परीक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीटेट परीक्षा में आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है। खास बात यह है दोस्तों कि इस प्रश्न पत्र को लीक करने का जो बेसिकली दोस्तों यहां पर उद्देश्य यह था, क्योंकि कई स्टेट्स में ऐसी भर्ती आ रही है जहां पर सुपर टेट की जो भर्ती आएगी उसमें सीटेट और जितने भी स्टेट के टेट होते हैं उनकी अंक की अनिवार्यता लगभग 20% रख दी गई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपका सीटेट में जितने भी मार्क्स रहेंगे उसका 10 से 15% या फिर 20% किसी हर स्टेट में दोस्तों रखा गया है। चूंकि यूपी में सुपर टेट की भर्ती आ रही है उसमें भी सीटेट के अंक को दोस्तों वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि 20% मार्क्स आपके सीटेट के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर दोस्तों बहुत सारा जो ये कह सकते हैं गिरोह था वो सक्रिय था और पता था कि आने वाली भर्तियों में सीटेट का महत्व कितना बढ़ जाएगा, जिसके कारण दोस्तों पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रूफ भी दिया लेकिन दोस्तों अभी तक सीबीएसई ने इस प्रूफ को नहीं माना और सीटेट की परीक्षा को रद्द नहीं किया। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो जितने भी लोग सीटेट परीक्षा के कैंसिलेशन के सपोर्ट में हैं वो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा 90 बन रहा है, भैया आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि सीटेट के अंक की मान्यता रहेगी। ठीक है, तो आप लोग सब मिलकर के सपोर्ट में आइए, परीक्षा को कैंसिल कराइए। ठीक है, इसमें सभी का मैं सपोर्ट चाहता हूं। जो लोग सपोर्ट में है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जैसी कोई अपडेट आएगा तुरंत ही चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। जय हिंद।